अधिवक्ताओं ने प्रमुख सचिव व डीजीपी का पुतला फूंका, सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय पर स्थित जिला न्यायालय में आज मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार सोनभद्र बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव व डीजीपी का पुतला फूंका गया। पुतला फूंककर अधिवक्ताओं द्वारा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की, साथ ही वकीलों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लागू प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में भी लागू करने की मांग किया। सोनभद्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाठक की अध्यक्ष व महामंत्री आनंद कुमार मिश्रे के संचालन में अधिवक्ता के हित में मांगों के समर्थन में न्यायालय परिसर का भ्रमण करते हुए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश व पुलिस महानिदेशक का पुतला फूंका गया। वहीं अधिवक्ताओं के हित में विभिन्न मांगों को जल्द पूरा कर दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर सख्त कार्यवाही करने की बात अधिवक्ताओं ने कही। अधिवक्ताओं ने कहा, हमारी मांग निम्नवत है, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए, दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया है तथा महिला अधिवक्ताओं को भी पीटने का कार्य किया है, उन पर मुकदमा दर्ज हो। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें तत्काल वापस किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किया जाए। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। हुई है हमारे निहत्थे अधिवक्ताओं के खिलाफ, वो हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देशानुसार हम लोगों की मांगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग इससे भी बड़े संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे, उत्तर प्रदेश के काम काज को ठप कर देंगे। साथ ही हम लोगों का अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे राजस्थान में लागू है, अगर उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अधिवक्ताओं को कोई सुख सुविधा किसी भी सरकार के द्वारा किसी के रिजिम में नहीं दिया गया है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अगर अधिवक्ता के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो। साथ ही जो भी दोषी हैं, हापुड़ के पुलिस प्रशासन, साथ ही डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, अगर ये लोग समय रहते नहीं चेते दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं किए तो हम लोग व्यापक स्तर पर, देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। और उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर अधिवक्ता ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के बजाय हापुड़ में निहत्थे अधिवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर बर्बरता पूर्वक जिस तरीके से लाठी चार्ज की गई है, उसके लिए हमारे बार एसोसिएशन, सोनभद्र बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से लगातार चरणबद्ध आंदोलन बार काउंसिल के निर्देश पर चला रही है। कल ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है। आज उत्तर प्रदेश डीजीपी और प्रमुख सचिव का पुतला फूंक कर हम अधिवक्ता ये मांग करते हैं कि हापुड़ में जिस तरीके से निहत्थे अधिवक्ताओं पर बर्बरता हुई है, तत्काल उस दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करें और उन्हें मुआवजा दें और जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, जिसको मांग को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन में पुतला फूंके हैं।